हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट से एक ऐसा वीडियो लेकर आई हूँ जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। गाइज, काफी लोग जो है मुझसे कमेंट करके पूछते हैं कि मैम मैं कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करती हूँ, कैसे करती हूँ, कितने टाइम में करती हूँ, यानी कि वीक में मैं कितनी बार शैम्पू करती हूँ। तो इस पर ही आज का वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें और बेल को जरूर आप ऑन कर लें। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइज देखिएगा, जो मैं शैम्पू इस्तेमाल करती हूँ वो है नेचुरल शैम्पू। वो मैंने बना रखा है, मेरा जब वो खत्म हो जाता है या मेरा मन नहीं होता उसे करने का, तो देखिएगा ये है पतंजलि का। ये देखिएगा पतंजलि का ये वाला शैम्पू है, मैं इसको इस्तेमाल कर लेती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और ये आप देख सकते हैं केश कांति इसका फुल नेम है, मिल्क प्रोटीन है। और इससे पहले वाला जो मेरा था वो दूसरी मतलब था पतंजलि का ही, लेकिन वो मिल्क प्रोटीन नहीं था, दूसरा था एलोवेरा वाला था। तो मैं इस तरीके से चेंज कर लेती हूँ, मतलब जैसे कि हमारे बालों को हर एक चीज की जरूरत होती है। पहले हमें ये समझना होगा हमारे बालों को हर चीज के पोषण की जरूरत होती है। आप कभी भी एक चीज पर डिपेंड ना रहें, याद रखिएगा जो भी मैं आपसे हेयर मास्क वगैरह है या हेयर रेमेडी शेयर कर रही हूँ, अलग अलग बदल कर आप इस्तेमाल करें। ये देखिएगा क्या होता है, कभी जब हमारे बाल झड़ रहे होते हैं तो हमें उस वाले पोषण तत्व की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, यानी कि बाल झड़ने के लिए जो हमें चाहिए होगा वो प्रोटीन चाहिए होता है। हमारे बाल जो है दो मुंहे हो गए, बेजान हो गए, उनमें चमक नहीं है, तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, एलोवेरा चाहिए होगा, ताकि शाइन आए, बाल हेल्दी लगे, ग्लोइंग लगे, ग्लॉसी लगे। तो इसी तरीके से ऐसी ही मैं क्या करती हूँ, लेती पतंजलि का ही हूँ और इसको चेंज कर लेती हूँ। जो मुझे सूट करता है मैं वो लेती हूँ, आपको भी जो सूट करे आप वो परचेस कर लीजिएगा। जो मैं शैम्पू इस्तेमाल करती हूँ ये माइल्ड, जैसे मैं आप लोगों से कहती हूँ माइल्ड शैम्पू आप इस्तेमाल कीजिए, तो आप कोई सी भी कंपनी का हर्बल हो, नेचुरल हो, और आप उसके इंग्रेडिएंट पढ़कर देख लीजिए, वो आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके नेचुरल से बाल जो है वो अच्छे हो जाएंगे, आपका कलर वहीं की वहीं बरकरार रहेगा। देखिए शैम्पू जो होते हैं, जितने भी शैम्पू होते हैं वो हमारे बालों में क्लीनिंग का काम करते हैं, यानी कि सफाई करने का काम करते हैं। जो भी हमारे हेयर के अंदर डस्टिंग बैठ जाती है, धूल मिट्टी जो हमारे हेयर में जम जाती है उसको रिमूव करने का काम करते हैं, ऑयलिंग जो हम करते हैं उसको हटाने का काम करते हैं। तो शैम्पू को सिर्फ मैं वीक में दो बार ही इस्तेमाल करती हूँ, चाहे मेरा वो खुद का बना हुआ शैम्पू हो, चाहे ये वाला शैम्पू हो, मैं सिर्फ दो बार ही शैम्पू को इस्तेमाल करती हूँ। तो मैं आपको इसको बता भी देती हूँ इसके बारे में। तो इसमें जो मेंशन है वो केश कांति है, ये हेयर क्लींजर है विद मिल्क प्रोटीन है इसका नेम। और इस तरीके से देखिए ड्राई और रूट्स जो हेयर हो जाते हैं, ड्राई हेयर के लिए है ये। और ये पतंजलि का प्रोडक्ट है गाइज, और 200 ml इसकी जो है क्वांटिटी है। प्राइस भी मैं आपको बता देती हूँ, 95 rupees का ये 200 g का पैक हमें मिल जाता है। तो इसको मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। इसको इस्तेमाल करने का मैं आपको तरीका बताती हूँ, जैसे मैं करती हूँ मैं वैसे ही बता रही हूँ। तरीके से मैं इसे निकाल लेती हूँ, और जैसे कि अब समर्स में क्या होता है, जो हमारा स्कैल्प होता है उसमें पसीना मरने लगता है, और जब ऑयलिंग भी होती है तो उससे ना एक स्मेल सी उठती है, तो उसमें मैं इसमें थोड़ा सा ना 1 चम्मच के करीब रोज वाटर भी डाल लेती हूँ। बालों को शाइनी करने के लिए मैं इसमें एलोवेरा फ्रेश वाला, लेकिन मैं फ्रेश वाला ही इस्तेमाल करती हूँ, मार्केट वाला नहीं डालती हूँ मैं इसमें। तो फ्रेश वाला थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच मैंने पीस के जो है फ्रीज में रख रखा है, उसको मैं 2 चम्मच से 1 चम्मच तक इसमें ऐड कर देती हूँ। फिर अच्छे से मेरे को क्या होता है, मैं डायरेक्ट अपने स्केल्प पे शैम्पू नहीं लगाती हूँ, आपको भी ऐसे ही करना है। जो लोग भी कहते हैं मुझसे कि मैम हमारे बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, आप थोड़ा सा शैम्पू ले लीजिए, अपने हैंड में ले लीजिए, चाहे आप थोड़ा सा उसमें पानी लीजिए, पानी डालने का थोड़ा सा आप उसको उसमें झाग बनने का वेट कीजिए, यानी कि झाग आ जाए, पानी से वो मिक्स हो जाए, फिर अपने स्कैल्प पे इस तरीके से आप पानी, स्कैल्प आपका गीला होना चाहिए, आप पहले पानी डालिए बालों में, तब अपने बालों में जो है इस तरीके से आप मसाज करते हुए बिल्कुल लाइट हैंड से, आप ये नहीं है कि आपने लिया और आपने कसकस के रब कर दिया अपने, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। क्या होता है हमारे बालों की पॉलिश छूट जाएगी, यानी कि जो चमक है वो हमारे बालों की चली जाएगी, जो हमारी जो सॉफ्टनेस है बालों की वो रफनेस में जो है हमारा कन्वर्ट हो जाएगा जब हम इसे रगड़ देंगे अच्छे से। तो गाइज हमारी ऐसी चीज नहीं होती है जो हम इसे जो है कपड़ों की तरह धो डालें, आपको इस बात का ध्यान रखना है। हमारे जो हेयर होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो इस चीज को आप बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से इस तरीके से आप बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से मसाज कीजिए, फिर देखिएगा आप कह रहे हैं ना तो झड़ेंगे आपके हेयर और ना ही रफ बनेंगे, क्योंकि रफ जब भी हो जाते हैं जब बार बार शैम्पू किया हमने, ऑयलिंग की, शैम्पू किया ऑयलिंग की, ऐसा हम करते हैं तो हमारे बाल जो है एकदम झाड़ू जैसे हो जाते हैं, रफ हो जाते हैं, डल हो जाते हैं, उनमें कोई शाइन नहीं रहती। आपको अपने बालों की केयर करनी होगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है।
मैं शैम्पू बनाया था उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से जाके उस शैम्पू को भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जो जो सोशल ऐप आप इस्तेमाल करते हो वहां हमारे चैनल को जल्द से शेयर कर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, कोई कमेंट पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर